क्या समाजवादी पार्टी ने वरुण गांधी को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया है? वरुण के अलावा जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह और मछली शहर से रागनी सोनकर को भी सपा ने कैंडिडेट बना दिया है। जी हां, चौंकिए नहीं, ये लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में ये तीनों नाम है। लिखा है होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान, लोकसभा चुनाव 2024 सपा प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें पहली सीट है जौनपुर 73, वहां से श्रीकला सिंह को प्रत्याशी बताया गया है। वहीं दूसरी सीट है मछली शहर 74, यहां से रागनी सिंह का नाम दिया गया है। तीसरी सीट है पीलीभीत 80, यहां से वरुण गांधी को प्रत्याशी बताया गया है। जी हां, इस लिस्ट को देखने के बाद यूपी के राजनीति में हड़कंप मच गया है। लेकिन इस लिस्ट के वायरल होने के बाद सपा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कृपया सावधान रहें, समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची पार्टी पेज पर ही प्रेषित की जाती है, जो सूची पार्टी के एक्स और फेसबुक पेज पर है वही अधिकृत है, अन्य सभी सूचियां फर्जी हैं। सपा की ओर से जारी इस बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि पीलीभीत से वरुण गांधी, जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह और मछली शहर से रागनी सोनकर के टिकट मिलने का जो दावा किया जा रहा है वो एकदम फर्जी है। आइए समझते हैं कि वरुण का नाम सपा की लिस्ट में आखिर क्यों जोड़ा गया। आपको बता दें कि वरुण गांधी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर पीलीभीत से लोकसभा के सांसद हैं। वरुण के बीते 3 साल के बयान देखे जाएं तो वह उनकी अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ ही रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि भाजपा इस बार वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। वहीं वरुण गांधी की सपा के साथ आने की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि साल 2022 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के वक्त वरुण अखिलेश से मिलने पहुंचे थे। तब दोनों की मुलाकात की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। तभी से ऐसा माना जा रहा है कि वरुण अखिलेश के करीबी हैं और इस बार सपा के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। श्रीकला का नाम आखिर सपा की इस फर्जी लिस्ट में क्यों जोड़ा गया है वो भी हम आपको समझाते हैं। मालूम हो कि बीते दिनों जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को MP MLA कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। मगर धनंजय सिंह की सजा के पीछे सियासी गलियारों में कुछ और ही कहानी चली। वो कहानी ये थी कि धनंजय सिंह जौनपुर से भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे जो उन्हें मिला नहीं। इसके बाद फिर वो सपा सुप्रीमो अखिलेश से मिले और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, मगर उन्हें सजा हो गई और वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए। वहीं श्रीकला सिंह के नाम के आने की वजह ये बताई जा रही है कि जब धनंजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की योजना बनाई है। यही वजह है कि श्रीकला सिंह का नाम इस फर्जी लिस्ट में अब सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश ने शनिवार को जौनपुर की पूरी सपा यूनिट को बुलाया और पूछा कि क्या आप लोगों ने किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनाई है जिस पर सब राजी हों, कोई एक नाम मुझे दे दीजिए ताकि मैं गंभीरता से विचार कर सकूं। मगर जौनपुर के तमाम सपा लीडर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अंदर खाने चर्चा ये है कि कई लोग टिकट चाहते हैं। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि अगर आप लोगों की तरफ से सर्वसम्मति से कोई एक नाम नहीं है तो जिसे मैं तय करूंगा उसे जिताना आपको होगा। तो इस तरह से जो सपा की यह सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।